स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम अपने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड द टर्म्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम द अकाउंट्स बैकग्राउंड और हु आर नॉट परफॉर्मिंग देयर सीएसीएस। सो दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट येस इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स देन यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम्स। एग्जाम्स में अगर हम बात करें, सो जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मेक श्योर के जो फॉर्मूलाज हैं दैट यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर। एंड इस चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव एंड सी हाउ वी कैन सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर थर्ड चैप्टर। सो थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो दिस इज इन मोर डिटेल्स अबाउट द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रिपेयर होती हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। सो अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले तो इनकम स्टेटमेंट इज जस्ट सिमिलर ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम सारे प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी या फिर ऑनर्स कैपिटल आपका पार्ट रहता है। एंड द लास्ट वन इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा इन डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। वी कैन एक्सपेक्ट मेनी एमसीक्यू क्वेश्चंस, मीन 6-7 एमसीक्यू क्वेश्चंस वी कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। छोटी छोटी लाइन से भी क्वेश्चंस डिराइव हो रहे हैं, सो मेक श्योर टू जस्ट रीड each and every line of this particular chapter, right? Now let's see, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की, सो बैलेंस शीट का मतलब क्या रहता है? बैलेंस शीट इज रिवील्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एनी कंपनी, ठीक है? उसमें आपके एसेट्स का पार्ट आएगा जो कि आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो कि आपकी कंपनी की एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। लाइबिलिटीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस एंड कैपिटल इक्विटी इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स और यू कैन से बाय द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? अब इसमें अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो जैसा कि हमने बताया सबसे पहले एसेट्स आता है। एसेट्स में भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें देन एक आता है आपका फिक्स एसेट्स विच यू कॉल्ड एज द नॉन करंट एसेट्स। सो करंट मीन्स विच कैन बी यूटिलाइज विद इन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ अ पीरियड विच कैन बी मोस्टली अ फाइनेंशियल ईयर। और अगर उससे ज्यादा पीरियड के लिए है फिक्स एसेट्स, मतलब जो आप इतना ईजिली आपका सेल नहीं होता है, जो आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स एसेट्स। कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, आपका लैंड हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपके कॉपी राइट्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे आपके, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ये सारे आपके फिक्स एसेट्स हो गए। फिक्स एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, वन इज द टेंजिबल एंड सेकेंड इज द इंटेंजिबल वन। सो टेंजिबल वो होते हैं जो कि आप टच कर सकते हैं, नॉन टेंजिबल वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। नॉन टेंजिबल की अगर हम बात करें देन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड। सो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट इज अ नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल वन, लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और ब्रांड्स यू आर गिवन फॉर ऑप्शन एंड यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई वन ऑफ देम। Then next comes is the investments. So investments is basically which is the amount or you can say the money invested outside the business. आपने कोई शेयर परचेज किए, आपने बॉन्ड्स परचेज किए, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए या फिर आपने कुछ एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को हम लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो वो सारे फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ द एसेट विच कैन बी यूटिलाइज विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड, या फिर हम बोल सकते हैं उसे अकाउंटिंग साइकिल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड का अनदर नेम क्या है, दैट इज द अकाउंटिंग साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है? तो करंट एसेट्स आपका कैश भी हो सकता है या फिर कैश इक्विवेलेंट हो गए, मीन्स सपोज आपको सडनली किसी कैश की रिक्वायरमेंट पड़े, सो ऑल दीज थिंग्स विच यू कैन ईजिली मे बी सोल्ड आउट और मे बी द कैश इन हैंड, ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, राइट? नेक्स्ट कम्स एज द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अगेन कम्स एज द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इज अगेन दैट आर फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड एंड शॉर्ट टर्म इज फॉर द स्मॉलर पीरियड। ऑनर्स कैपिटल एंड ऑनर्स इक्विटी इज अगेन द पार्ट विच इज द कैपिटल विच इज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर और एडजस्टेड फॉर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस।
देन नेक्स्ट कम्स एज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी परस्पेक्टिव. मोस्टली इस पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. सो यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई ऑल ऑफ दिस एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट वन और मे बी टू एमसीक्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. ठीक है, लाइक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? इट मींस जो आपकी बिजनेस एंटिटी है और जो ऑनर्स है दैट आर द इंडिपेंडेंट एंटिटीज. सपोज मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी खोल रखी है, सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट. अब सपोज मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सो दैट पर्सनल एक्सपेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस एक्सपेंसेस, राइट. मैं अगर खुद की फैमिली को कहीं पार्टी पे लेके जा रहा हूँ, दैट इज माई पर्सनल एक्सपेंस. बट अगर मैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का मेंबर्स को या फिर जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको मैं पार्टी पे लेके जा रहा हूँ, दैट इज अ बिजनेस पार्ट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बोथ द थिंग्स, business and the personal factor, because the person is the same who is the proprietor, right. So this is about the business entity concept. Second is money measurement concept. So जो भी सारी चीजें हम money की format में measure कर सकते हैं, that forms a part of the balance sheet. Obviously आपकी quality हो गई, या फिर customer appreciation हो गया, या customer delight हो गया, या फिर customer complaints हो गया, that never forms a part of the measurement, that we can't measure, we can't quantify, like in the form of मनी. सो जो भी चीजें मनी की फॉर्मेट में आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. द नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इट सिंपली मींस गोइंग कंसर्न. एक कंपनी आपने खोली, उसका मतलब ये है कि वो लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि बंद नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि मैंने कंपनी खोली और मैं सोच रहा हूं दो साल बाद मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा. सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मींस आपकी कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग्स. आपके माइंड में ये थॉट नहीं है कि मैं अपनी कंपनी बंद करने वाला हूँ. वाई? बिकॉज इन दैट केस आपका जो करंट और नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो बहुत डिफर कर जाएगी. अगर मुझे पता है मैं छह महीने में अपनी कंपनी बंद कर दूंगा, तो जो मेरे सारे फिक्स एसेट्स है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, बिकॉज मैं उनको सेल कर दूंगा, राइट. देन नेक्स्ट कम्स एज द कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट इज द प्राइस पेड फॉर द एक्विजिशन एंड नॉट द करंट मार्केट वैल्यू. सपोज मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, या फिर मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, या मशीनरी जो है मैंने सपोज 5 लाख की परचेज करी, आज उसकी वैल्यू सपोज 4 लाख हो गई, और मे बी मैं उसे कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ तो वो और डिग्रेड हो गई. सो जो भी हम इसमें कॉस्ट कंसेप्ट डालते हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इज एक्विजिशन प्राइस. मतलब जब मैंने उसको परचेज किया था 5 लाख पे परचेज किया था, बिकॉज ऐसा होगा कि डेली या फिर कोई भी नया एक्ट रूल या कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आपके टैक्स रेट चेंज होंगे, तो हर मशीनरी की आपकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू मेंटेन द दिस कॉस्ट ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. सो इट्स द बेस्ट कि जो उसकी एक्चुअल मार्केट जो उसकी एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट थी, वी जस्ट पुट इट इन द बैलेंस शीट इन दैट फॉर्मेट. Then next, last comes as the dual aspect concept, that is one of the most important concept, जो कि simply कहता है कि जब भी आपका कुछ भी कोई transaction होता है वो आपके accounting equation में दो चीजों को definitely impact करता है. जैसे कुछ एक points आपके book में दिए हुए हैं, like if there's an increase in one asset then there's a decrease in another asset. Like suppose मैंने कुछ purchase किया, तो जब भी मैं कुछ परचेस करूंगा तो जो मेरा कैश कंपोनेंट है वो कम होगा, क्योंकि मैं उसे कैश पे परचेस करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा एक एसेट तो बढ़ेगा. सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट कोई रॉ मटेरियल परचेस किया तो वो मेरा एसेट बढ़ गया, तो वो मेरे एसेट अकाउंट में बढ़ गया, मीन्स वो मेरे रॉ मटेरियल अकाउंट में बढ़ गया, बट जो मेरा कैश वाला एसेट था कैश अकाउंट था वो मेरा कम हो गया, राइट. देन नेक्स्ट इंक्रीज इन वन एसेट एंड लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली. हो सकता है मैंने रेंट पे या फिर लीज पे मैंने कोई चीज ली हो, तो उससे मेरा एसेट तो बढ़ेगा बट लाइबिलिटी भी मेरी बढ़ जाएगी. डिक्रीज इन वन एसेट इंक्रीज इन अनदर एसेट, इट्स द सेम थिंग. डिक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द लाइबिलिटी. इट डिक्रीज वन लाइबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी. डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी. डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट. सो ऑल दिस फॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. So again the formula is the same, asset equals to liability plus equity. So keep this point always in your mind, asset equals to liability plus capital. Then next part comes as the profit and loss statement or profit and loss account. So profit and loss account में जो भी आपके एक period के अंदर आपके profits हुए या फिर आपके जो भी losses हुए, उन सब की details आप profit and loss statement में डालते हैं. एक important चीज, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बिकॉज कोई भी ट्रांजेक्शन है उससे आपका इम्पैक्ट होगा. सो दिस इज मोस्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन के दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड और इट्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और समथिंग लाइक दैट. सो द आंसर इज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, सो इट इज
लॉस सफर्ड बाय एन एंटिटी ड्यूरिंग अ पीरियड, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, मे बी आस्क फॉर द बैलेंस शीट, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? दैट इज सिंपली द सेल्स और रेवेन्यू माइनस द गुड्स. आपने कितना बेचा माइनस कितना आपका परचेज, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफाइन करते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज वो आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस चलाने के लिए, वो आपको माइनस करने पड़ते हैं. ठीक है, साथ में आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, लाइक आपने कुछ सेल किया, आपने कुछ इंटरेस्ट आया आपका, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, कुछ आपका प्रॉफिट हुआ, कुछ आपका सेल हुआ, तो वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर आपके एड सब्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद आपका कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देन अगेन इसमें देर आर सर्टेन कंसेप्ट विच आर बींग यूज बेसिक कंसेप्ट. ओके, सो देर आर सर्टेन बेसिक कंसेप्ट विच आर बींग यूज फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस. अगेन इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस वन. अगर हम इसकी बात करें तो वेरी फर्स्ट वन इज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि आपका जो भी है वो एक अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग ईयर के लिए होगा. नॉर्मली आपका जैन से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर फॉर अप्रैल टू मार्च आपका रहता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. इट सिंपली मीन्स के जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो आपका लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ द इनकम होगा. इट मीन्स जो भी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, जो भी आपकी लोअर है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कंजर्वेटिव कंसेप्ट. नेक्स्ट इज द रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन कंसेप्ट इज व्हेन द रेवेन्यू इज एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड, देन ओनली इट नीड्स टू बी एडेड. नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट मीन्स व्हेन द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू, इट्स बेसिकली डिटरमाइन द रेवेन्यू ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, मतलब आप सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो आप सारे रेवेन्यूज को मैच करेंगे. आफ्टर जब भी आपका रेवेन्यू आएगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे आप उनको डिटरमाइन करेंगे और उसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में एड करेंगे. नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी इज सिंपली द सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड बाय एंटरप्राइज वाइल प्रिपेयरिंग एन एनी अकाउंट. एक फिक्स आपका एक पैटर्न है जो आपको कंसिस्टेंट वे में करना है. मे बी आप जो सारे अपने इन्वेंट्रीज डाले हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में करेंगे या लास्ट इन फर्स्ट आउट में करेंगे, एक फिक्स पैटर्न आप उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द एक्यूरल कंसेप्ट. एक्यूरल कंसेप्ट इज सिंपली व्हेन रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिलेटेड गुड्स एंड आइटम्स आर यूज्ड. ठीक है, एक्यूरल कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आपका एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब माना जाएगा, जब भी आपकी कोई गुड सर्विसेज जो है वो यूज में हो जाएंगी, उसके बाद ही उसको उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. लास्ट वन कम्स एज द मटेरियलिटी. सो मटेरियलिटी सिंपली मीन्स रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम. एनी आइटम इज कंसिडर्स मटेरियल इफ द नॉलेज इज लाइकली टू बी द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको क्या उसमें डालना है या क्या इन्फॉर्मेशन आप उसमें पॉपुलेट करेंगे, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द knowledge of that particular person who is just preparing the financial statement. So these are the certain topics. Normally PLN account ke concepts pe matlab generally question nahi aata, but still it's important for MCQ perspective. God knows maybe it will come into the theoretical question, but normally theoretical question mein aapke jo concepts hai wo accounting jo balance sheet hai uske puche jate hai. So here we covered the two things. So one is the PLN account and second is the balance sheet. So this chapter is very much straightforward. Some new things and some new concepts are there. Just read it carefully because these forms a very important part of your MCQs as well. So just read the chapter carefully. If you have any doubts or facing any issue, just feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like, do subscribe and stay connected for further videos. Thank you so much.